हरियाणा के नूह जिले के भगवा यात्रा दौरान भड़की हिंसा की अग हुण गुरुग्राम अते होर खेतरां तक फैल चुकी है। इस दौरान कई वाहन अते कई दुकाना साड़ियां जा चुकियां ने, जबकि गुरुग्राम के सैक्टर 57 दे विच मस्जिद नूं भी अग लगा दी गई है अते मस्जिद के नायब इमाम की हत्या भी कर दी गई है। हुण तक यह हिंसा दौरान घट्टो घट 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 तो ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। इस हिंसा दौरान मोहित यादव उर्फ मोनू मनेसर का नाम भी काफ़ी सुर्खियों के आया है, जिसनों ही इस हिंसा का कारण मनिया जा रहा है। सो आओ तुहानू दसदे हैं कि कौन है मोनू मनेसर अते क्यों चर्चा के आया होया इसका नाम। मोनू मनेसर हरियाणा के एक जाणिया पछाणिया नाम है, जिस तो पहला कथित गऊ रक्षा के नाँ के उत्ते हुईयां हत्यावां के मामले के उसका नाम सुर्खियों के आता रहा है। हुण फिर कढ़ी गई भगवा यात्रा तो पहला मोनू मनेसर का एक वीडियो सामने आया सी, जिस विच उसने जिथे लोगों नूं यात्रा दे विच शामिल होने की अपील की सी, उत्थे ही उसने ये भी आख्या सी कि वह ब्रिजमंडल यात्रा दे विच अपने समर्थकों समेत शामिल होएगा। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यात्रा दे विच मोनू मनेसर के शामिल होने तो कुछ लोग नाराज सन, क्योंकि जिस व्यक्ति दे उत्ते नूह दे विच दो मुस्लिम नौजवानों के कतल का मामला दर्ज होवे, वो इस तरह बेखौफ वीडियो पा के यात्रा दे विच शामिल होने की गल करता होवे, ये गल कई लोगों बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक उसनू यात्रा दे विच जांदे देख ही लोगों का गुस्सा भड़किया, जबकि मोनू मनेसर का कहना है कि उसनू विश्व हिंदू परिषद ने यात्रा दे विच जान तो रोकिया से, जिस करके वह यात्रा दे विच शामिल ही नहीं होया। मोनू मनेसर खुद नू बजरंग दल का गऊ रक्षा सूबा मुखी दसदा है। फरवरी महीने दे विच राजस्थान के भरतपुर के रहन वाले जुनैद अते नासिर दियां सड़िया हुई लाशां हरियाणा के भिवानी दे विच मिलियां सन। इस मामले दे विच मोनू मनेसर के उत्ते FIR दर्ज है। हरियाणा पुलिस ने उस समय यह आख्या कि मोनू मनेसर फरार है, जिसकी भाल की जा रही है। मोनू नू फड़न दे लई भिवानी आई राजस्थान पुलिस की टीम नू भी खाली हथ परतना पिया सी। मोनू मनेसर नू कतल दे इस केस दे विच कदे भी गिरफ्तार नहीं किया गया। जुनैद अते नासिर दियां लाशां 16 फरवरी 2023 नू मिलियां सन, पर इस तो पहला 6 फरवरी नू पटौदी दी बाबर शाह कलोनी दे विच हिंसा भड़की सी, जिस दे विच 4 लोग बुरी तरह दे नाल जख्मी हो गए सन अते एक मुंडे नू गोली भी वज्जी सी। इस केस दे विच भी मोनू नू बतौर मुलजम नामजद किया गया सी। सोशल मीडिया दे उत्ते कथित वीडियो भी वायरल होया सी, जिस दे विच ओह गोलियां चलांदा दिखाई दे रहा है। क्राइम ब्रांच समेत पुलिस दियां कई टीमां उसनू लभ रहियां ने, पर अजे तक उसका पता नहीं लग सकिया। जबकि इस दौरान मोनू दियां कई सरगर्मियां सामने आ चुकियां ने, जो कि पुलिस अधिकारियों के नाल उसके संबंधों नू बाखूबी उजागर कर दियां ने। मोनू मनेसर हरियाणा सरकार की गऊ रक्षा टास्क फोर्स का मैंबर है। 28 साल की उम्र के मोनू ने पॉलीटैक्निक कॉलेज तो डिप्लोमा किया होया। हरियाणा के मनेसर दे विच रहन वाले मोनू की आमदन का वड्डा जरिया किराए के उत्ते दिते हुए कई कमरे ने, जिस तो उसनू कमाई हुंदी है। मोनू मनेसर के पिता ड्राइवर सन अते ओह बस के नाल नाल डंपर भी चलांदे सन। मोनू मनेसर साल 2011 दे विच बजरंग दल दे विच शामिल होया सी। 10 सालां दे अंदर ही उसने संगठन दे विच चंगी पैंठ बना ली है, जिस दे चलदियां साल 2022 दे विच उसनू सूबे दी गऊ रक्षक टास्क फोर्स दा प्रधान बना दिता गया। मोनू मनेसर दियां अजिहियां बहुत सारियां वीडियोज़ अते तस्वीरां ने, जिन्हां दे विच ओह हथियारां दे नाल दिखाई दिंदा है। मोनू मनेसर दी हरियाणा दे गुरुग्राम अते मेवात इलाके दे विच चंगी पैंठ है। सोशल मीडिया के उत्ते उसके कई फैन पेज तक बने हुए ने। इत्थे एक घटना का जिक्र करते हैं। 4 जुलाई 2021 की गल है, जदों हरियाणा के पटौदी के लव जिहाद के विरुद्ध एक महापंचायत की गई सी। इस महापंचायत के मोनू ने आख्या सी कि जो भी लव जिहाद करता उसकी लिस्ट सानू दिओ, असी ते साडी टीम उसनू मारेगी शरेआम। जो लव जिहाद करेगा साडियां धियां भैणां नूं छेड़ेगा, उसनू मारन दा काम सिर्फ ते सिर्फ असी करांगे, साडी टीम करेगी। मोनू दे इस भाषण दे उत्ते लोकां ने जोर शोर दे नाल ताड़ियां मारियां सी अते मोनू जिंदाबाद दे नारे भी लगाए सन।
इत्थे ही बस नहीं, मोनू मानेसर इस तो पहला भी इस तरह के भड़काऊ भाषण दे चुकिया। साल 2021 दे विच जो गुरुग्राम के सैक्टर 12 दे विच जुम्मे की नमाज जनतक थावां दे उत्ते पढ़े जाण नूं लैके विरोध प्रदर्शन हो रहे सन, तां मोनू ने उस समय भी एक हिंसक नारा दिता सी, हिंदुओं के गद्दारों को गोली मारो। इसे साल जनवरी महीने जदों 21 साल के वारिस की मौत हुई सी, तां उसकी तस्वीर गौरक्षक दल ने सोशल मीडिया के उत्ते शेयर की सी, जिस दे विच गऊ रक्षक वारिस अते दो होर कथित गऊ तस्करां नूं कुटदे हुए दिखाई दे रहे सन। वारिस दे परिवारक मैंबरां ने मोनू मानेसर दे उत्ते पुत्तर दी मौत दा इल्जाम लगाया सी, जदके मोनू ने इन्हां दोषां नूं नकारदियां ए आख्या सी कि ओह घटना वापरन दे 35 मिंट मगरों उत्थे पहुंचिया सी। बाद दे विच पुलिस ने भी मोनू मानेसर नूं इस केस दे विच क्लीन चिट दे दित्ती सी। सो मोनू मानेसर नूं चाण वाले बहुत लोग ने जो कि उसके काम नूं गऊ माता प्रति सेवा भाव दे नाल जोड़ के देखते ने। इस दे लई बेशक मोनू मानेसर दे उत्ते कतल तक गंभीर इल्जाम लगे होण पर अपने समर्थकों के लिए वह हीरो बनया होया, यही वजह है कि पुलिस अजे तक उसनूं हथ नहीं पा सकी। सो तुहाडा इस मामले नूं लैके की कहना है, सानू कमेंट जरिए अपनी राय जरूर सांझी करना। होर जानकारी अते ताज़ा खबरां दे लई देखते रहो हमदर्द टीवी।